इस वक्त हम मौजूद है काजीगुंड पांजत गांव में, जहां पर सालाना एक फेस्टिवल मनाया जाता है जो रिवायती तौर पे यहां के लोग मनाते हैं। ये पांजत नाग के नाम से भी जाना जाता है और यहां के लोग जो हैं इस वक्त इस नाग जो चश्मा है इसमें मछलियां पकड़ते हैं और यहां के लोगों को मानना है इससे इस नाग की जो चश्मा है इसकी साफ़ सफाई भी होती है। और इस लोग जो हैं ये दर्शाते हैं यहाँ पर इस चीज़ से यहाँ पर यहाँ के लोगों का भाईचारा भी कायम है। नाज़रीन आपको हम विजुअल्स में दिखाने की कोशिश करेंगे। इस फेस्टिवल के बारे में आपको पता ही है कि इससे पहले भी मन की बात में मोदी जी ने ये बात कही थी, ये 500 नागों का चश्मा है और ये करीबन 60 गांवों तक ये पानी की सिंचाई होती है, चाहे पीने का पानी हो या जमीनों में पानी जाता है, ये दूर दूर तक पानी जाता है। और यहाँ से जो PMAY की जो स्कीम थी वो भी यहाँ से चली जाती है और ये जो पानी है वहाँ दूर दूर तक जाता है। और इस फेस्टिवल का एक खास मकसद है, हर साल इसको हम सफाई के तौर पर मनाए जाते हैं और अगले दिन बिलखसूस कभी अगले दिन या कभी इसी सेम दिन हम रोहन पोज भी डालते हैं और वो परंपरा भी हमारी इसी में आ जाती है। सर बिल्कुल कुल बात यह है कि ये हम जो फेस्टिवल मनाते हैं एक रिवायती है, ये हमारे जदो अजदादों से मनाया जा रहा है और हम ये परंपरा आगे भी ले जाना चाहते हैं और हमारी परंपरा जो है ये आगे भी चली जाएगी। मरकजी सदर औकाफ पांजत मापोला दुनिया लेवडोरा, इस फेस्टिवल के बारे में हम क्या कहें। मेरे ख्याल में मैं भी इस वक्त 72 साल का हूँ, मेरे ख्याल में ये हजरत आदम से चला आ रहा है, हमारे बाप दादा परदादा वरदादा सब ये फेस्टिवल मनाते हैं, इसलिए हम मनाते हैं। एक तरकीब है लोगों को इसमें रहने की, सबसे मकसद जो है हमारा इस वाटर सोर्स को साफ रखने के लिए, इसको महफूज रखने के लिए हमें, और इससे हमें ये मतलब कि आप इसका पानी भी ज्यादा फूटेगा, ये मलबा वलबा साफ साफ होगा और पानी भी ज्यादा फूटेगा जो सिंचाई करते हमारे बागों को भी, हमारे एग्रीकल्चर लैंड को भी, और पीने के लिए भी ये इस्तेमाल होता है, सदियों से चला आ रहा है। मैं आपके वसात से आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप यहाँ आए आपने तकलीफ किया, मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारी ये बात आप हाईलाइट करिए, गवर्नमेंट के अरबा इकदार तक पहुँचाइए और हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उसने अपनी मन की बात में भी इसका तज़किरा किया कि यहाँ एक हम मैसेज देते हैं कौम को, ये भाईचारे की मैसेज, यहाँ पांजत मापोला के लोग ही नहीं है, यहाँ दूरशाबार से भी 3-4 तहसील से लोग आए, ये एक भाईचारे की भी एक मिसाल हम देते हैं कि देखो हमें ये नहीं है कि ये पांजत के लिए मखसूस है या हमारे इलाके के लिए मखसूस है, तमाम डिस्ट्रिक्ट के यहाँ लोग हैं। मैंने अभी मिले मुझे कुलगाम तहसील डिस्ट्रिक्ट के है वो भी मिले मुझे, मैंने कहा चलो मेरे हाँ वो ये ले लो, ये पूजी ले लो। ऐसे ये फेस्टिवल पुराने साल से मनाया जाता है, मुझे नहीं पता कि क्यों, तो वो पता है पुराने जमाने से साल में एक बार मनाया जाता है, बहुत लोग आते हैं। बहुत अभी आपने कोई मछली पकड़ी? हाँ बहुत पकड़ी। नशना तारे कम हजाम ये तूफान से रोज जो पांसत नाग वारे काल पे प्रथ वे त्रावान ये गोट गाड रटान पे रोहन पोश त्रावान आज गाड रटने तो रोहन पोश त्रावान तम वर मजा अस रोहन पोश त्रावान वर्यस मे एक लटि रोहन पोश रनान गोटे गाड ये त्रावान सोच यल गाड रटान अद त्रावान रोहन पोश फायदे ये नाग पाग यल बेसान ये डेमस सफाई चल पिल तुलान तो नाग गाँव यल अम सम सफाई गेमस बेम सम गाड त रटान सफाई वफाई करान खास कर साफ आब बन पे परंपरा गामों पे बड़ शौक सान त्यौहार मनाने